गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज बना रही हूँ अपने पार्लर का चौथा ब्लॉग। और देखो आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट करते हो कि दीदी कौन सी फेस पे बैग्स करें जिससे बाल कम आए। तो देखो आज मैं फेस पे बैग, आप जाओगे ना आप बोलो फेस वाली बैग्स दे दो, बीन बैग्स होती है उसको ले सकते हो आप और बना सकते हो। अब देखो जैसे इनके फोरहेड पे ज़्यादा बाल हैं, ठीक है, तो हम बाल कैसे आ रहे थे, आधे इधर को आते हैं आप लोगों को पता है, आधे ऐसे आते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ से निकालेंगे। देखो अब ऐसे करके पट्टी लगा दी और ये देखो आप, ये देखिए इसमें देख सकते हो सारे बाल क्लीन हो गए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारे दो फायदा होते हैं। दो फायदा क्या, एक तो हमारे जो बाल होते हैं वो निकल जाते हैं, दूसरी चीज़ क्या होती है, जो हमारे फेस पे टैनिंग होती है ना वो निकल जाती है। बाकी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप लोग घर में यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्यों, आप जाओगे दुकानदार से बोलोगे, कोई जो मतलब ये पार्लर का मटेरियल बेचते हैं उनसे जाके बोलो कि भैया बीन बैग्स दे दो, ठीक है। बीन बैग्स अगर आपके पास बैग सीटर भी नहीं है तो आप लोग बाउल में डालो उसको, गैस पे रखो, हल्का सा गर्म हो जाए फिर अपने लगा के करो। और अगर आपको लगता है कि मेरे की चेहरे पे प्रॉब्लम हो रही है, स्किन पे मतलब दाने हो रहे हैं, तो बर्फ़ ले लो थोड़ी सी घर पे और हल्के हल्के हाथ से सिकाई कर लो, नॉर्मल हो जाएंगे दाने। अब देखो ये क्लाइंट है मेरे यहाँ, बहुत टाइम से करवाती हैं इनको। और बाल बाकी आप लोग कभी सोचो कि दीदी ज़्यादा बाल आएंगे तो ज़्यादा बाल नहीं होते हैं और बल्कि ग्रोथ कम हो जाती है, ठीक है। बाकी मैं पूछती हूँ क्लाइंट से अपने, बताओ आप। जी मेरी पहले से काफ़ी ग्रोथ कम हो चुकी है, अब नहीं आते इतने ज़्यादा, तो ठीक है। बाकी अभी थ्रेडिंग करूँगी तब दिखाऊँगी, अभी हम इनके फेस की बैग्स कर रहे हैं, पूरे फेस की बैग्स हो जाएगी तब दिखाएंगे। ये देखो ऐसी आपको लगाना, अभी चिक पे दिखाती हूँ क्लियर, अभी चिक पे दिखा दो आपको। और फिर हम ये देखिए ऐसे लगाएंगे, ऐसे ये देखिए ये लगी, और बस मुश्किल से 5 सेकंड 10 सेकंड लगनी होती है और हम ऐसे करके इसको निकाल देंगे, ये देखिए। और स्किन जब लूज होती है जब हम हैंड वाली बैग्स करते हैं, ये देखो सारे निकल गए, क्लीन दिख रहे हैं आप लोगों को, ये देखो स्किन एकदम क्लीन हो गई। अब जैसे देखो हमने पूरे फेस की बैग्स कर दी, बहुत लोग क्या होता है ना बैग से भी थ्रेडिंग कर देते हैं, बट मुझे थ्रेडिंग अपने जितना अच्छा मुझे थ्रेड वर्क से अच्छा लगता है ना, उतना मुझे बैग से नहीं समझ में आती, मुझे थ्रेडिंग इससे थ्रेड वर्क से। अब देखो हम थ्रेडिंग अच्छा, आप लोगों का कई लोगों का कमेंट आया है कि दीदी मेरे से धागा टूट जाता है, दीदी मेरे से बाल नहीं निकलते तो धागा हमारा क्यों टूटता है। जब पहली बार धागा हम पकड़ेंगे तो उल्टे हाथ में हमारे धागा रहेगा, ठीक है, सीधे हाथ में हम लपेटेंगे ऐसे करके, और जोर किससे डालेंगे, अंगूठे से। ये अंगूठा होता है, हमने कई बार रील्स में भी बताया है इंस्टाग्राम पे, तो हमें क्या करना है इससे, देखो इससे दबाना है। अब क्लाइंट पकड़ेंगे, अब आपको बना के दिखाती हूँ, ठीक है। और जब हम ये जो सीधे हाथ वाली बनाएंगे तो हम आगे से बनाएंगे ऐसे, ठीक है, जब उल्टे हाथ वाली बनाएंगे तो उल्टे पीछे की तरफ से खड़े होकर बनाएंगे। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमें हमेशा बाल कैसे निकालने होते हैं, अपोजिट मान लो इधर को है तो ऐसे उल्टा निकालने होते हैं तभी बाल निकलते हैं, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखो जितना हल्का हाथ चलाओगे ना तो उससे क्या है, क्लाइंट को भी नहीं दर्द होगा और आपको बनाने में भी आसानी रहेगी। देखो पकड़ लो, नीचे के बालों को ना स्किन कटने का डर रहता है, तो क्लाइंट से एक बार ना हमेशा एकदम टाइट हाथ से पकड़वाना है, क्यों, क्योंकि जितना टाइट पकड़ेंगे ना उसकी उतनी स्किन या टाइट रहेगी, तो उससे क्या होता है कटने का डर खत्म हो जाता है, नहीं तो देखो हमारी स्किन कितनी लूज होती है, तो ये क्या है एकदम काट देता है धागा। तो क्या है बिल्कुल हल्के हाथ से हमें बनानी है और एकदम टाइट हाथ से पकड़वाना है, ये देखिए। अब देखो इनकी ये थ्रेडिंग बन गई, इनको मोटी चाहिए होती है ना, ये थ्रेडिंग बन गई। अब इसमें देखो दिखाओ प्रथम, देखो इनका कैसे आई थ्रेडिंग का पॉइंट भी आ गया, ये देखो, ठीक है, थ्रेडिंग का पॉइंट ये देखो और ये देखो, बन गई अच्छे से। बनाने का हमेशा थोड़ा इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे ना अपने, ठीक ही अपने आप आपको थ्रेडिंग आ जाएगी। अब देखो जैसे इनकी बैक्सिंग हो गई ना, फेस बैक्सिंग, अब हम क्या करेंगे, हल्के हाथ से कोई भी क्रीम ले लेंगे और हल्के हल्के हाथ से ऐसे करके मसाज कर दो, ऐसे मसाज कर दोगे ना, जो कोई अगर लगेगा भी कि हमें दाने हो रहे हैं या फेस रेड हो रहा है तो वो मसाज करके नॉर्मल फेस हो जाएगा। 5 मिनट तक मसाज करनी है
और क्या कहते हैं फिर हटा देना। तो आप लोग रोको। तो मैंने आपको वैक्स करनी, फेस वैक्सिंग करनी आज को आपको पूरा सिखा दिया। तो नाम भी बता दिया, फेस वैक्स का नाम है बीन वैक्स या ब्राजीलियन वैक्स, दो आती हैं, दोनों ही अच्छी रहती है, दूसरी कोई वैक्स मत लेना। और बाकी इसमें बीन वैक्स में कलर बहुत सारे आते हैं, कोई भी कलर ले लो। और आपको ज़रूरी नहीं है कि वैक्स हीटर ही लाना है, आप क्या करोगे, ऐसे छोटे छोटे आते हैं, जैसे आपको मसूर की दाल होती है ना रेड वाली, जो टुकड़े वाली नहीं होती, ऐसी वैसी मिलेगी। उसको क्या करना है, हमें ऐसी निकाल के डालना है, और कोई ख़राब स्टील की बाउल हो उसको गैस पे एकदम हल्की गैस पे रखो, वो डाल दो, अच्छे से मेल्ट हो जाए। फिर लकड़ी का कोई चम्मच ले लो, उसको लेके हमने थोड़ा पाउडर लगा लो, पाउडर लगा के फिर ऐसे करके जमा लो, जैसे आपके नीचे के बाल आ रहे हैं तो आपको नीचे को ऐसे करके लगानी है वैक्स, एक पट्टी हो, ज़्यादा गर्म नहीं लगानी कि आप वैक्स करने के चक्कर में अपना फेस जला लो। देख लो हल्का सा छुआ के, जब लग रहा हो कि आप बर्दाश्त कर सकते हो, हल्का नॉर्मल हो, तब आप ऐसे करके लगाओ, और तुरंत 2 सेकंड में वो एकदम ठंडी हो जाती, फिर ऐसे करके आपको हटा देना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। और जैसे आपको लगता है कि मेरे मतलब वैक्स करके देखो रेड हो गया या दाने हो गए, तो घबराओ नहीं, अगर दाने हो रहे तो हल्का हल्का ठंडे पानी से मुँह धो लो, हल्के से क्रीम लगा लो, ठीक हो जाएगा। और अगर लगता है रेड है तो वो अपने आप 10 मिनट बाद नॉर्मल हो जाएगा। पहली बार जब थोड़ी थोड़ी वैक्स लगी रहती है ना, तो हमें कोई क्रीम लेनी है, और पूरे पानी ले लो हल्का सा, या गुलाब जल ले लो, उससे मसाज करके पूरी वैक्स निकल जाती है। फिर उसके बाद कोई भी क्रीम लगा के छोड़ दो। और बाल कभी कल मैंने देखो मतलब क्लाइंट का जो वैक्स करी मैंने, तो उन्होंने भी बोला कि मेरे बाल उससे बहुत कम आते हैं, ठीक है। इससे पता है आप अगर फेस वैक्स करोगे, आपको थ्रेडिंग भी वो सॉरी मतलब फेसियल नहीं भी कराओगे ना, उससे भी फेस आपका ग्लो करेगा, ठीक है। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, दूसरे ब्लॉग किसी मिलती हूँ किसी दूसरे ब्लॉग में, अच्छा सा कोई काम आपको सिखाते हुए। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और जो चीज़ों को लगता है आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करना। ओके, बाय बाय।